हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का टैप टू क्रैक के प्लेटफॉर्म पर और मैं शशांक सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि CDS 2 2024 का एग्जामिनेशन हो चुका है 1 सितंबर को और आप सब लोगों ने आंसर की से अपने आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे। और अब स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आज का जो इस सेशन है इसमें मैं तीन बड़ी बातों पर डिस्कशन करूंगा कि कब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कितना रहना चाहिए और SSB की तैयारी कैसे करें। तो आज का जो सेशन होगा इसमें हम ये तीन इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, फिर हम लोग देखते हैं सारी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस रिजल्ट्स के डेट की, भाई कब कब रिजल्ट आया है। दोस्तों, जैसा CDS 1 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल को, तो पेपर हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल को और रिजल्ट आ गया था 9 मई 2024 को, मात्र 18 दिनों के अंदर रिजल्ट आ गया। तो UPSC जानी ही जाती है अपने तेजी से रिजल्ट्स देने के लिए। वही दोस्तों, अगर आप देखोगे CDS 2 2023 जो हुआ था 3 सितंबर को, 3 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, यानी तकरीबन 30 दिन का समय लग गया था। CDS 1 2023 की बात करें तो 16 अप्रैल को पेपर हुआ था, 4 मई को रिजल्ट आ गया था 18 दिनों के अंदर। और CDS 2 2022 की बात करें तो 4 सितंबर को पेपर हुआ था, 23 सितंबर को रिजल्ट आ गया था, मात्र 19 दिन के अंदर। तो इस बार भी दोस्तों मान करके चलते हैं कि 18 से 19 दिन और मोटा मोटा माने तो 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो 20 दिन के अंदर आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फाइनली आप SSB के लिए रिकमेंड किए गए हैं या नहीं। तो ये तो बात हो गई डेट्स की, यानी मोटा मोटा भी मान लें तो 20 दिन के अंदर एग्जामिनेशन डेट से आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 20 से 25 सितंबर मैंने रखा है कि 20 से 25 सितंबर 2024 के तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 20 से 25 के बीच में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। तो ये टेंटेटिव डेट है, ध्यान रखिएगा, ये फाइनल नहीं, ये टेंटेटिव डेट है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए कि 20 से 25 के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये टेंटेटिव डेट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देखते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें तो CDS 2 2023 का जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कट ऑफ 127 था, इंडियन नेवल एकेडमी का 110, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी 136, OTA मेन 104 और OTA वेमेन 104। इसी तरीके से इंडियन मिलिट्री एकेडमी का CDS 1 2023 का कट ऑफ था 132, देन एयरफोर्स एकेडमी 142, OTA मेन एंड OTA वेमेन का सेम था। CDS 2 2022 की बात करें तो 126 इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, इंडियन नेवल एकेडमी का 118, एयरफोर्स एकेडमी 136 और OTA मेन एंड OTA वेमेन का 98। और CDS 1 2022 की बात करें तो 136 इंडियन मिलिट्री एकेडमी, 128 नेवल एकेडमी, 147 इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, 100 OTA, 100 एंड 100 था OTA मेन एंड वेमेन के लिए। और वैकेंसी देखें दोस्तों तो CDS 2 2023 में 349 थी, CDS 1 2023 में 341, CDS 2 2022 में 339 और CDS 1 2022 में 341 वैकेंसीज थी। तो ये वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों अगर देखा जाए इस बार की वैकेंसी के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 459 वैकेंसी है, जिसमें OTA मेन के लिए वैकेंसी इस बार बहुत ही शानदार है। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए जो है वो 276 वैकेंसीज हैं, ये बहुत ही शानदार वैकेंसीज हैं। बाकी सब में तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मोटा मोटा सेम ही रहता है। OTA वेमेन के लिए 19 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 459 वैकेंसीज पर इस बार फाइट है। अब दोस्तों जो CDS 2 2024 जो हुआ है इस बार का 1 सितंबर को, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, जो हम लोगों ने आपके रिजल्ट्स के थ्रू अनुमान लगा करके देखा है कि दोस्तों जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 100 वैकेंसीज हैं तो इसका कट ऑफ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस वो 125 से 130 के बीच में, इंडियन नेवल एकेडमी 115 से 120 के बीच में, एयरफोर्स एकेडमी 135 से 145
क्योंकि ओटीए में दोस्तों इस बार वैकेंसी ज्यादा है मेन के लिए, तो हो सकता है थोड़ी मेरिट कम जाए। तो 97 से लेकर 102 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 107 मोर वैकेंसीज हैं अकॉर्डिंग टू सीडीएस 2023। और ओटीए वेमेन के लिए 19 है, तो 100 से लेकर के 105 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। मेल का कट ऑफ दोस्तों इसलिए मैंने कम बताया है क्योंकि इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं, पिछली बार की तुलना में 107 वैकेंसी ज्यादा है, तो जब वैकेंसी ज्यादा होता है तो कट ऑफ कम जाता ही जाता है। तो ये दोस्तों एक टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर द एग्जामिनेशन। अब दोस्तों जब भी आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसका इंटरव्यू फेस करना बहुत ही क्रिटिकल होता है, और बिना एसएसबी दिए हुए आपका फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उनके लिए हम लोग फ्री एसएसबी गाइडेंस लेकर के आएंगे, जिसमें हम उनको जो भी एसएसबी के 5 डेज के प्रोसेस हैं, चाहे वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो या फिर जीटीओ का टेस्ट हो या फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, कॉन्फ्रेंस हो, वो सब चीज़ें तैयारी हम लोग कराएंगे। और उसके लिए गूगल फॉर्म हमने बनाया है जिसका लिंक आपको हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था तो वो सारे लोग फॉर्म भर दीजिएगा, गूगल फॉर्म जो आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा वहाँ पर आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और ताकि हम आपको फिर जब आपका रिजल्ट हो जाता है तो कांटेक्ट करेंगे फॉर द फ्री एसएसबी गाइडेंस प्रोग्रामिनेशन। अब दोस्तों यहां पर देखो कि भाई सीडीएस 1 2024 के जो हमारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हमारे रेगुलर सेशन से थे जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन निकाला है। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि सीडीएस की तैयारी बिना स्पेसिफिक और डेडिकेटेड प्रिपरेशन के नहीं हो सकती, तो इसी स्पेसिफिक और डेडिकेशन प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए टैप टू क्रैक लेकर के आया है सीडीएस 1 2025 का लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स, जिसकी दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 9 सितंबर 2024 से, वैलिडिटी होगी 15 अप्रैल तक, और इस कोर्स का फी होगा 3499। इसमें आपको 100% लाइव सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, और इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं T2C500 यूज करते हैं तो 500 रुपीज का आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये मात्र कोर्स अवेलेबल हो जाएगा 2999 में। और जो कैंडिडेट ओटीए के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या ओटीए के एग्जाम्स के लिए देना अपीयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास सेपरेट बैचेस हैं जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 9 सितंबर से, 15 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी होगी, 2499 इसका प्राइस है। और इसमें भी आप T2C500 का कोड लगाएंगे तो ये मात्र 1999 रुपये में मिलेगा। हालांकि ओटीए में दोस्तों मैथ एग्जेम्प्टेड होता है, मैथ्स का पेपर आपको नहीं लिखना, तो इसी वजह से इसका प्राइस कम रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप CDS 1 और 2 यानी CDS कंप्लीट CDS 1 और 2 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें 100% लाइव सेशंस, नोट्स फॉर रिवीजन, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी। क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी 9 सितंबर से और वैलिडिटी होगी इसकी 15 सितंबर 2025 तक। और दोस्तों इस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो 4499 रखा गया है, और अगर इसमें आप T2C500 का कोड लगाते हैं तो 500 रुपीज एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सीरियसली सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार सीडीएस में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार कोर्स है आपके लिए। साथ ही साथ दोस्तों सीडीएस 1 2025 का जो जीएस स्पेशल कोर्स है जो स्टार्ट होगा 9 सितंबर से, 15 अप्रैल की वैलिडिटी होगी, इसका प्राइस रखा गया है 1199 रुपीज़। मैथ्स के लिए जो स्पेशल बैच है उसका प्राइस रखा गया 2499, 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल की वैलिडिटी होगी। और इंग्लिश स्पेशल बैच के लिए जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 9 सितंबर से 15 अप्रैल तक, और इसका प्राइस रखा गया है 1199 रुपीज़। तो दोस्तों ये स्पेशल बैचेस हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी कंप्लीट है तो मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वगैरह में ही कंसर्न्स हैं, तो वो इन बैचेस को ज्वाइन करके आप पूरा कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें रिजल्ट कब आएगा, प्लस कट ऑफ क्या होनी चाहिए और एसएसबी के लिए क्या हम आपको देने वाले हैं। और फिर से बता दूं कि फ्री एसएसबी गाइडेंस के लिए गूगल फॉर्म आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, प्लीज़ जा कर के उस फॉर्म को फिल करिए ताकि हम आपको आफ्टर द रिजल्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। एक प्रॉपर एसएसबी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका एकेडमी में जाने का सपना जो है वो साकार हो सकेगा। तो दोस्तों दैट वॉज ऑल फॉर द डे और आई होप्स ये वीडियो के जरिए जो आपके मेजर डाउट्स और कंसर्न्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो दैट वॉज ऑल, जय हिंद जय भारत।